शिव पुराण महात्म्य अध्याय तीसरा बिंदुक ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नाम का गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान वैराग्य तथा सदकर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सदव्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदुंग नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से कलेश रहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिर कर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतियाँ विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता रहता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियाँ व्यभचारी करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामांगों को तप्त लोहे दंडों से दागते हैं, तप्त लोहे के पुरुष से उसका संसग्र कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ बूढ़ चित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग के मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नर्क में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूब रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। शिव पुराण महात्म्य अध्याय तीसरा समाप्त।